हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की रेमेडी हेयर के लिए है। हेयर केयर के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ मैं। अगर आपके बाल शाइनी नहीं है तो इससे आपके बाल शाइन करने लग जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। वाइड हेयर की प्रॉब्लम है तो आपके हेयर धीरे धीरे इसको अप्लाई करने से ब्लैक होने लगेंगे, बहुत ही अच्छा आपके बालों में कलर आ जाएगा। फ्रेंड, हेयर फॉल हो रहा है, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, री ग्रोथ नहीं हो रही है, न्यू हेयर, इन सारी प्रॉब्लम के लिए एक ये बहुत ही अच्छा टॉनिक टोनर अब या फिर स्प्रे के लीजिए। फ्रेंड, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बर्तन में एक पानी डाल देंगे, एक ग्लास पानी ले लेंगे। उसमें हम यहाँ पर डालेंगे कलौंजी यानी ऑनियन सीड। फ्रेंड, ऑनियन सीड हमारे हेयर को ब्लैक करने का काम करता है और हेयर फॉल को रोकता है। इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे मेथी दाना। यहाँ पर मैं एक चम्मच मेथी दाना और एक चम्मच कलौंजी डाल रही हूँ, यानी एक चम्मच फेनुग्रीक सीड और एक चम्मच ऑनियन सीड डालेंगे। मेथी दाने से हमारे हेयर सिल्की सॉफ्ट शाइनी हो जाएंगे और हेयर फॉल भी रुक जाएगा, हेयर लॉन्ग होने लग जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा चाय पत्ती। नॉर्मल चाय पत्ती हमारे घर में होती है, वही हमको यहाँ पर ऐड करना है। इससे हमारे बालों में शाइन आएगी, स्मूथ हो जाएंगे बाल और बहुत ही अच्छा कलर आएगा। फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह का कलर हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको एक बोतल में। यहाँ आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप यहाँ पर नॉर्मल वाली बोतल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्प्रे बोतल है तो मैं यहाँ पर ये वाली यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड, तो फ्रेंड जान लेते हैं इसकी गुडनेस क्या है, इसका वर्क क्या है। तो फ्रेंड, इसको टोनर स्प्रे आप टॉनिक कह लीजिए। आप यहाँ पर चाहे तो ऑयल भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये मैंने 7 डेज़ के लिए बनाकर रखा है अपने बालों के लिए। तो 7 डेज़ बाद में फिर कोई दूसरा सा टोनर टॉनिक यूज़ करूँगी अपने बालों में। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ। तो आप श्योर हो जाइए फ्रेंड, हर्बल चीज़ हमारे हेयर को नुकसान नहीं करता है बिल्कुल भी। और फ्रेंड, हाँ ये बात हो सकती है कि अगर आपको कोई भी पैक या टोनर टॉनिक सूट नहीं करता है तो उससे आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। बट फ्रेंड, अगर आपको कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और आप उसका रिज़ल्ट आपको मिल रहा है तो वो आपके हेयर पे सूट कर रही है, तो आप उसको यूज़ कीजिए फ्रेंड। तो फ्रेंड, यहाँ पर इसकी गुडनेस, आपके बाल सॉफ्ट शाइनी हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। अगर आपकी रीग्रोथ रुक गई है तो रीग्रोथ होने लग जाएगी, हेयर ग्रोथ रुक चुकी है तो हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी फ्रेंड, हेयर फॉल रुक जाएगा आपका। हेयर इससे चाय पत्ती हमने यहाँ पर ऐड करी है, चाय पत्ती से हमारे हेयर बहुत ही शाइनी सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे। और फ्रेंड, इसको लगाना कब है ये देख लेते हैं। तो इसको हम लगा सकते हैं, आप शैम्पू हेयर वॉश कीजिए, हेयर वॉश के बाद आप बाल को सुखाकर इसको अप्लाई कर लीजिए स्कैल्प में और आप लेंथ में अच्छे से अप्लाई कीजिए इसको। और फ्रेंड, आप इसको 7 डे यूज़ करो, उसके बाद आप रिज़ल्ट खुद देखना फ्रेंड, बहुत ही अच्छा इफेक्टिव। तो आप यहाँ पर ऑयली बालों में लगा सकते हैं, जब आप हेयर वॉश करने जा रहे हैं तो आप आधे घंटे पहले इसको लगा सकते हैं। आप चाहें तो फुल नाइट के लिए छोड़ सकते हैं। तो फुल नाइट के छोड़ने के लिए आपको यहाँ पर इसमें ऑयल मिक्स करना है फ्रेंड। कोई भी पैक आप लगा रहे हैं तो वो टोनर इसमें यूज़ कर सकते हैं। टोनर को थोड़ा सा उस पैक में डाल लीजिए। मेहंदी लगा रहे हैं तो इस टोनर को आप थोड़ा सा उसमें डाल लीजिए, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। और फ्रेंड, आप फुल नाइट के लिए छोड़ सकते हैं इसको, नहीं होगी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल है फ्रेंड ये, और कोई भी आपके बालों को नुकसान नहीं करेगा। तो फ्रेंड, हर्बल चीज़ें आपके बालों को नुकसान नहीं करती हैं। अगर आपको सूट नहीं करती हैं तो आप कोई दूसरा पैक यूज़ कर सकते हैं अपने बालों में। आप 1 मंथ के लिए यूज़ कीजिए, 1 वीक के लिए यूज़ कीजिए, देन आप अप्लाई कीजिए जो आपके बालों में सूट करता है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आके कीजिए फ्रेंड।